नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवनी दर्शन में। मैं आज आपको परघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग के पास लेके आया हूँ। जी हाँ, आज आपको मैं काफ़ी दिनों बाद रेलवे क्रॉसिंग के दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि आज हमें आपको यहाँ पे जो सड़क बन रही है परघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग से स्टेशन की ओर जाने वाली, आज हम इस सड़क के दर्शन कराएंगे। क्योंकि ये सड़क इसके पहले हमने आपको दिखाई थी, तो ये सड़क का काम सिर्फ शुरू हुआ था, लेकिन आज ये सड़क शुरू होते होते बनते बनते आज ही परघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग के बहुत निकट पहुंच चुकी है। तो चलिए हम आपको उस सड़क के पास जो रेक पॉइंट होते हुए बन रही है हम आपको दिखाने रख लेते हैं। तो बने रहिए शिवनी दर्शन के साथ। रेक पॉइंट की ओर जाने के लिए सड़क यहाँ से होती है शुरू, इससे पहले भी हमने आपको बता चुके हैं। और हम इस वक्त साइकिल से हैं और साइकिल से हम चल रहे हैं। इसके पहले भी आपको और ये देखिए, दूर से ही आपको एक सड़क दिखाई दे रही होगी जो कि सीधे रेलवे स्टेशन से कटेगी नाका होते हुए आते हुए जो आपको दिखाई दे रही होगी। जी हाँ, हम आपको निकट चल के भी दिखाएंगे। ये पीछे का दृश्य जहाँ से अभी हम आए, और ये यहाँ पे यातायात आपको रेलवे क्रॉसिंग के पास सुगमता से चलता हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। और ये हम रेलवे ट्रैक, जी हाँ, रेलवे रेक पॉइंट का ट्रैक जहाँ से 70 करोड़, जी हाँ, कंक्रीट के द्वारा यहाँ पे जो सड़क बनाई गई है, जी हाँ, ये रेक पॉइंट वाला इलाका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी सड़क को पकाने के लिए यहाँ पे क्यारियाँ बना के यहाँ पे पानी डाला गया है, ताकि ये मजबूत हो जाए। और इसके पहले जब हम आए थे तो ये इस साइट का, ये जो आपको इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 70 करोड़ नहीं हुआ था, लेकिन इस तरफ 70 करोड़ हो चुका था। लेकिन अभी के हालात ये है कि अभी दोनों तरफ 70 करोड़ हो चुका है, और आगे भी देखिए कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम भी आपको करके दिखा दूँ दूर दूर तक। तो यहाँ पर 70 करोड़ हो चुका है, जी हाँ, यहाँ पर कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और क्योंकि ये रेक पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है पूरा तैयारियाँ करना है। मालगाड़ियाँ जब शुरू होंगी तो यहाँ पे सबसे पहले मालगाड़ियाँ रुकेंगी, माल उतरेगा चढ़ेगा, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे तैयारियाँ तेज़ी से चल रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी, ये खाली जगह भी आगे आने वाले समय में उपयोग में लाई जाएगी। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा और निकट रख लेता हूँ जहाँ पर ये जो सड़क जो बनाई जा रही है कटंगी नाका होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर, जो सीधे आपको बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग से कटंगी नाका रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। हम इस वक्त रेलवे रेक पॉइंट से नीचे की ओर आ गए हैं, और ये जो आपको नीचे गिट्टियां दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे गिट्टियों का ढेर लगा हुआ था, क्योंकि जब यहाँ लाइन बिछाई जा रही थी तो यहाँ पर गिट्टियाँ ला के हाईवे डंपर द्वारा ला के स्टॉक की गई थी, ताकि ट्रैक बनने के बाद यहाँ पर इन गिट्टियों को यहाँ पर डाला गया, यहाँ से उठा के डाला गया। तो ये चारों ओर का दृश्य इस वक्त हम आपको अपने एंगल से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अलग अलग एंगल से घुमा के चारों ओर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको हम आपको दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके समझ में आ सके। ये जो आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, ये बरघाट रोड है, जी हाँ, बरघाट रोड है। और बरघाट रोड की रेलवे क्रॉसिंग के पास से ये जो स्कूटी वाला सवार जो जा रहा है, ये सीधे डुंडा सिवनी की ओर रोड जा रही है, और यहाँ से एंटर करेंगे तो यही रोड, जी हाँ, रेक पॉइंट की ओर लेके आएगी, और यहीं से एक रोड और आएगी, जी हाँ, यहीं से एक रोड और जुड़ेगी, जो कि इस वक्त आपको ये जो कैमरा एंगल के बाद ये जो खाली जगह दिखाई दे रही होगी, जी हाँ, यहाँ से आते हुए ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी ये अधूरी है, तो इसको पूरा अभी आगे ले जाके मिलाएंगे उसी रोड में जहाँ से हम एंटर किए थे। तो ये है सड़क
जो कि इस वक्त बनाई जा रही है, और यहाँ पे अभी मुरम लाल वाली मुरम को यहाँ पे डाला जा रहा है और यहाँ डाल के रोलर के माध्यम से दबाया जा रहा है। जी हाँ, ये जो रोड आपको दिखाई दे रही होगी, ये रोड सीधे कटंगी नाकर रेलवे क्रॉसिंग का जो ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, वहाँ पे जाके निकलती है और वहीं से सीधे रोड को क्रॉस करते हुए रेलवे स्टेशन, जी हाँ सीधे रेलवे स्टेशन की ओर यह रोड यहाँ से निकलेगी। और यहीं पे शमशान घाट भी है और यहाँ पे ये जब रेलवे प्रोजेक्ट, जी हाँ ये जो प्रोजेक्ट है जब बनके पूरा तैयार होगा तो यहाँ का आसपास का जो नज़ारा होगा बहुत ही सुंदर होगा। जी हाँ बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए, ये था आज का दृश्य जो हमने आज आपको दिखाने का प्रयास किया। तो आज कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। इस सड़क के बन जाने से ये जो रेलवे क्रॉसिंग में जब ट्रेन आती है, फाटक लगता है, तो यहाँ पे जाम बहुत लगता है। तो बरघाट, बालाघाट, मंडला से आने वाले जो यात्रीगण होंगे, वो अगर उन्हें बस स्टैंड छिंदवाड़ा रोड या कटंगी रोड की ओर जाना है, तो वो सीधे यहाँ से एंटर करके जा सकते हैं, अर्थात उन्हें यहाँ खड़े होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, आज का ये वीडियो हमने आपको दिखाया, तो बने रहिए इसी तरह शिवनी दर्शन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।